बताते रहे इसी दुआ के साथ। आज हम लोग करते हैं जी शुरू, तो आज जो होएगा वो आपको दिखाएंगे। अभी तो मैं काट रही हूँ भिंडियाँ, ये धो ली हैं और ये देखें अच्छी तरह से धो के इनको खुशक कर लिया मैंने कपड़े से, तो अभी मैं काटूंगी इनको। तो फिर हांडी भी बनानी है, शाम का टाइम हो रहा है तो हांडी बनाने की तैयारी करती हूँ। अभी तो भिंडियाँ काट रही हूँ तो मैंने कहा धो लूँ पहले अच्छी तरह से खुशक करके फिर काटती हूँ। तो अभी मैं काटने लगी हूँ, सुनैन आ गया मेरी सेसर, वो गया हुआ बाइक, दुआ है अभी गई मैं चीज लेने के लिए, लिया जो उनसे है वह सो रही है झूले में। तो मैं काट रही हूँ की भिंडियाँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ये देखें जी भिंडियाँ मैंने काट ली हैं, ये पड़ा भिंडियों का कचरा, ये दो एक ये पक्की निकली है भिंडी और बाकी इसमें से थोड़े से कीड़े वाली थी ये मैंने छोड़ दिया। और ये लिया मैडम सो रही है, उठने वाली है, लाइट गई भी इसलिए दुआ इसको हवा दे रही है। शाम का टाइम है, मौसम काफ़ी ठंडा है। ये देखें वो एक अंकल बाहर खड़े हैं, बादल हैं बाहर। और ये विकास ने भी मेरे साथ हेल्प की है भिंडियाँ कटवाने में, इसलिए दो दो छुरियाँ पड़ी हैं इधर क्योंकि हम दोनों ने मिलके काटी हैं इसलिए जल्दी काटी गई हैं। तो ये जी मैंने हल्के से प्याज नरम किए हैं घी में, फिर भिंडियाँ भी डाल दी हैं तो ये हो रही हैं फ्राई। और ये जो सा चम्मच ला रही है ये मैडम, ये खड़ी है, ये अपनी फ्रॉक इसने फाड़ दी है। ये देखें पहले भी मैंने टांगा लगाया तो अब फिर यहाँ से ना इसने उंगली डाली है और ऐसे फाड़ दी है, सारी फट गई है। और ये भी सो के उठी है, ये जुल्फे ना गिर जाए पीछे हो जा पीछे। और ये अपने बाल दिखाएं, बाल दिखाएं। और ये देखे नी मेरी बेटी के करली वाले बाल देखें, ये कैसे उधर से चल, अच्छा उधर चल मुझे खाना बनाना है, चल जा उधर चली जा। गैस बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है, देखे जरा जरा सी आ रही गैस, तो मैंने कहा चलो भिंडियां फ्राई हो जाएं, तो ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर मसाला बना के इसमें डाल दूंगी तो भिंडियां हमारी हो जाएंगी जी तैयार। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ठीक है तो जी विकास अब चले गए हैं काम पे, सामने रिक्शा खड़ा तो वो चला गया अब रिक्शा, क्योंकि विकास चले गए हैं जी काम पे वापस। और ये लिया और यह दुआ जा रही है जी चीज लेने के लिए, दुआ है आपको साथ लेके जाइए, अकेले नहीं जी नहीं जाना। चलो जाओ। तो जो भिंडियाँ मैंने रखी हुई हैं चूल्हे पे वो हो रही हैं फ्राई, क्योंकि गैस आ रही हल्की हल्की, तो मैंने कहा चलो आराम सुकून से, क्योंकि बार बार चम्मच हिलाने से भी ना भिंडियाँ टूट जाती हैं, तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिला के चेक कर लूँ, लेकिन अभी ना मैंने ना छोड़ दिया उनको ऐसे, मैंने कहा हल्की हल्की आग आ रही तो आराम सुकून से फ्राई हो जाए। तो गैस जो है वो चले गए हैं सनैन को लेके। आप लोग जहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता आप लोगों का वहाँ का कैसा मौसम है, गर्मी है कि नहीं, तो लेकिन यहाँ लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, खुशगवार हुआ है, फिरने का लायक है कि बंदा घूमे कहीं, तो लेकिन हम तो घूम नहीं सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, ना मेरे पास ना विकास के पास, तो इस वजह से हम लोग कहीं नहीं जा सकते फिलहाल। तो ऐसे बस घर में रह के ठंडा मौसम इंजॉय करें, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये देखें जी इधर भिंडियाँ हो रही हैं फ्राई माशाल्लाह से, ये देखें लेस से इसकी खत्म हो ही गई है, ये देखें खत्म हो गई है। तो जी अब इसकी लेस से अब हो गई है ख़त्म, तो अब मैं बनाऊंगी इसका मसाला। पहले तो विकास बैठ के ही चलो मोबाइल पकड़ा हुआ था, उन्होंने वीडियो बना रहे थे, वो चीज़ लेने गए हैं स्नान पापा के साथ गए। और जी पहले विकास बना रहे थे वीडियो तो वो, लेकिन अब चले गए हैं तो अब कोई नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और अपना काम भी कर रही हूँ साथ साथ।
तो ये देखिए जी, ये मैं बना रही हूँ जी मसाला, यानी कि प्याज नहीं मैंने डाले हैं क्योंकि प्याज मैंने पहले फ्राई कर लिए हैं उसमें भिंडियों के साथ। तो अब वैसे ही ये सूखे मसाले डाल के और टमाटर डाल के इसका मसाला बना रही हूँ। तो ये फिर डाल दूँगी जी भिंडियों में और भिंडियाँ हो जाएंगी हमारी तैयार। देख लेना आप लोग कितना प्यारा कलर आता है भिंडियों का। गैस बहुत ही स्लो है, ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी स्लो है। तो मैंने वो भी उसके ऊपर वाला वो जो सा एक हिस्सा होता है गैस का चूल्हे का वो भी मैंने हटाया हुआ, मैंने कहा जोन सी आ रही चलो ज़रा सी मेरा काम हो जाए। तो बस ये मसाला हो जाए तैयार, तो फिर ये भी डाल दूँगी भिंडियों को। इससे मैं इसलिए ढक रही हूँ कि टमाटर जो से वो नरम हो जाए, क्योंकि हार्ड थे टमाटर तो वो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जी गैस हमारी जो सी है वो चली गई क्योंकि लाइट आ गई है, तो इस वजह से ये शोर जो आ रही है आइसक्रीम वाला आया हुआ गली में उसका। तो बस थोड़ी सी देर है मसाला फिर हमारा हो जाएगा जी तैयार। क्या चीज़ तो ये मसाला हमारा हो गया जी तैयार, तो मैं ये डाल रही हूँ जी भिंडियों में। घी मैंने जी इसलिए काम डाला है क्योंकि पहले भिंडियाँ भी फ्राई की हुई हैं घी में, तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है। अब एक हाथ है तो मैं मिक्स नहीं कर पा रही हूँ, तो दोनों हाथों से पहले मैं मिक्स करूँगी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कलर। तो अब मैंने मिक्स कर लिया है मसाला, तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आया हुआ भिंडियों का, ये देखें बहुत प्यारा कलर है। मेरा दिल कर रहा मैं अभी खा लूँ, लेकिन अभी रोटी नहीं पकाई है, रोटी पकाऊँगी तो फिर खाना खाएँगे शाम को। तो अब हांडी तो हमारी गई है जी तैयार हो, अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये एक साइड पर हांडी हो जाए। ये हो गई तैयार, और जी अब इधर ये जो उनसे बर्तन पड़े हैं ये मैं धोऊंगी क्योंकि ये दोपहर के भी हैं खाने वाले चाय वाले, तो हमारी लाइट भी नहीं थी और पानी भी नहीं था, इस वजह से ये बर्तन पड़े हैं। तो ये मैं पहले धोऊंगी, फिर उसके बाद आटा गूंदूंगी, फिर जब गाँव सब आएंगे तो फिर मैं गर्म गर्म रोटियाँ पकाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि फिर पहले पका के रख दूँगी तो ठंडी हो जाएंगी। गैस तो वैसे ही चली गई, सिलेंडर भी पकानी है तो फिर जब आएँगे तब भी पका लूँगी गर्म गर्म। तो सबसे पहले मैं ये बर्तन धोऊंगी। तो ये देखें जी शाम के अजाने हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल शाम हो गई है, बच्चियां चली गई हैं जी सपारा पढ़ने के लिए, और मैंने आटा भी गूंध लिया है और बर्तन भी धो लिए हैं। और ये मैडम कह रही कुंडी खोलो मैंने बाहर जाना है, इसके फैशन चेक करें, इधर देखें लिहा, ये देखें इसके फैशन देखें, वो खिलौना भाई गिर गया जी लिया का, ये उठा ले। चलो अब मैं पका रही हूँ जी रोटियाँ, ये देखें ये रोटी मैंने तवे पर डाली हुई है, ये पक रही है, ये दो रोटियाँ पका ली हैं। तो मुकास आने वाले हैं तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले से पकानी शुरू कर दूँ, क्योंकि बच्चियाँ भी गई हैं सपारा पढ़ने के लिए, जैसे आएंगे तो कहेंगे हमें खाना दो, तो इसीलिए मैंने पहले से बनानी शुरू कर दी है। तो ये देखें जी अब हम लोग खाने लगे हैं खाना, लेकिन ये बच्चियों को मैं रोटी के ऊपर ही सालन डाल के दे रही हूँ, तो ये दे रही हूँ जी हया मैडम को, और जिसने खाना खाना हमारे साथ वो आ जाए तो खाना खा ले। ये देखें जी ये सनान साहब की जुत्ती लेके आए हैं, कितने के लिए 200 की आई है ये चप्पल, ठीक है आम पहनने के लिए अच्छी है, चलो जाओ ले आओ। तो ये जी खाना खुना खा के बच्चों की मस्तियाँ हो रही हैं जी, लड़ाइयाँ कर रहे हैं मजाक मजाक में खेल रहे हैं, 9:30 हो रहे, तो इनको अब सुलाने की तैयारी करूँगी मैं। तो अच्छा जी आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, अगले एक न्यू और फ्रेश ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए बाद रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।